जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, सवेरे का स्नान जो होता है वो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये स्नान आपकी जितनी भी चिंता है, थकान है, इन सब को तो दूर करता ही है, आपके अंदर नई ऊर्जा को पैदा तो करता ही है, नए विचारों को पैदा तो करता ही है, नई शक्ति प्रदान करता है। लेकिन यदि साथ ही साथ इस स्नान के पानी में यदि आप कोई सात्विक चीज़ मिला देते हैं तो ये आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है और आपके पास में, आपके आसपास में रही हुई नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी होता है। यदि कोई सात्विक चीज़ ऐसी मिलाते हैं जिससे आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास की वो दूर होती है, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। इसके साथ साथ यदि कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे धन के देवता यदि आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके लिए ऐसी चीज़ें सोने पे सुहागा हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भी दिन बदले, भाग्य बदले, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके आसपास की सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। यदि कोई रोग है, बीमारी है, मानसिक चिंता है, संताप है, तो ऐसी चीज़ें चली जाएंगी। साथ ही साथ इस उपाय को करने से जो धन की देवी हैं, माता लक्ष्मी, तो उनके जो पति हैं भगवान विष्णु, वो प्रसन्न होंगे। और वो जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ कि सवेरे स्नान के पानी में यदि आप कुछ सात्विक चीज़ों को मिला लेते हैं तो इससे आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, आपके अंदर एक नया जोश आएगा, काम करने का एक उत्साह जगेगा। देखिए, कोई भी चीज़ सिंगल वन हैंडेड नहीं होती है। आपके अंदर कर्म करने की प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा पैदा होना और साथ ही साथ भाग्य का आप पर साथ देना, आपका साथ देना, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है तुलसी। तुलसी के आप चाहे एक पान तोड़ लीजिए, और ये आपको कब तोड़ना है? कभी भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और कभी भी, जब भी आप किसी भी वनस्पति से यदि कोई चीज़ लेते हैं, किसी भी सजीव से कोई चीज़ लेते हैं, तो आपको उससे प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद उसको आपको लेना चाहिए, आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप क्यों इस चीज़ को लेना चाहते हैं। तो आप भले एक तुलसी का पान लें और उसकी दो बूंद, सिर्फ दो बूंद आप जो पानी में स्नान करते हैं उसमें आप डाल दें, नित्य एवरीडे इस क्रिया को करें। ऐसा करने से आपके शरीर में यदि कोई रोग दोग है, कोई बीमारी है, वो चली जाएगी, मानसिक संताप दूर होगा, टेंशन दूर होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दो बूंद तो मैं सिर्फ आपको निर्देशात्मक रूप में बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा है। और इसका उपयोग करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।